नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल नेक्स्ट न्यूज टुडे में। तो दोस्तों, आज पारा शिक्षक को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है। जैसे कि आप सब उन्हें देख ही सकते हैं कि 4000 पारा शिक्षक जिन्हें हटा दिया गया था उन्हें रखने की भी बात कही गई है। साथ ही साथ बजट सत्र से पहले बनेगा नियमावली, और साथ ही साथ आप सब उन्हें देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री से मिले BRP और CRP। तो क्या खबर है, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आप वीडियो के साथ पूरी तरह से बने रहे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें और एक लाइक दे दें। नियमावली सम्मिलित होंगे पारा शिक्षकों के सुझाव। तो दोस्तों, हम सभी न्यूज़ आपको एक एक कर पूरी जानकारी देंगे। आप वीडियो के साथ पूरी तरह से बने रहे, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आप पारा टीचर है या BRC CRP है तो आप एक लाइक कर हमें मोटिवेट अवश्य करें, और साथ ही साथ कमेंट में आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पारा शिक्षकों के प्रस्तावित सेवा शर्त नियमावली को लेकर पारा शिक्षकों द्वारा दिए गए सुझाव और आपत्तियों को सम्मिलित किया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा पारा शिक्षकों के लिए तैयार नियमावली पर विचार करने को लेकर बुधवार को स्कूली शिक्षा व सक्षमता मंत्री जगन्नाथ महतो, जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि नया मंत्री बन चुके हैं, मंत्री ने कहा कि पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली बजट सत्र से पहले तैयार कर ली जाएगी। ऐसी नियमावली तैयार की जाएगी जो पारा शिक्षकों के हित में हो। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि प्रस्तावित नियमावली पर आपत्ति मांगी गई थी, इस पर 3700 से अधिक आपत्ति दर्ज कराई गई है। तो आप अगली खबर यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि शिक्षा मंत्री से मिले BRP CRP। तो BRP CRP संघ का प्रतिनिधि मंडल बुधवार को स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री से BRP CRP के अस्थायीकरण की मांग की। BRP CRP 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में कृष्ण प्रसाद, रविंद्र ठाकुर, साकेत कुमार इत्यादि सम्मिलित थे। तो अगली खबर आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन भुगतान की मांग को लेकर है। झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने राज्य के उच्च विद्यालयों में नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान की मांग की। संघ के प्रदेश महासचिव रविंद्र कुमार सिंह व यशवंत विजय ने बुधवार को शिक्षा मंत्री से मुलाकात की। श्री सिंह ने शिक्षा मंत्री को बताया कि प्रमाण पत्र सत्यापन नहीं होने के कारण शिक्षकों के वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। शिक्षक काफ़ी समय से बिना वेतन के काम कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री से आग्रह किया कि प्रमाण पत्र सत्यापन होने तक शपथ पत्र के आधार पर वेतन दिया जाए। अगली खबर आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, पारा शिक्षक से रिलेटेड ही है। बजट सत्र से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं पारा शिक्षकों के सुझाव सम्मिलित किए जाएंगे। ऐसे पारा शिक्षक जिन्होंने इंटर में 50% अंक प्राप्त किए हैं, शिक्षक प्रशिक्षण भी प्राप्त कर ली है, उनका मानदेय भुगतान करने को कहा गया है। उसके बाद फिर नियमावली को लेकर कमेटी की बैठक होगी। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं टेट सफल को प्राथमिक शिक्षक बनाने की मांग भी की गई है। बैठक में पारा शिक्षकों की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल पारा शिक्षकों को सीधे प्राथमिकी शिक्षक बनाने व शेष पारा शिक्षकों को कार्य अनुभव के आधार पर स्थायी करने की मांग की गई। बैठक में विकास आयुक्त सुखदेव सिंह, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव KK खंडेलाल, स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव AP सिंह, झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक उमाशंकर सिंह व एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की ओर से संजय दुबे, हरिकेश दुबे इत्यादि सम्मिलित थे। अगली खबर आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि 4000 पारा शिक्षक को हटा दिया गया था रघुवर सरकार में। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि राज्य के वैसे अप्रशिक्षित पारा शिक्षक जिन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया है उन्हें फिर से रखा जाएगा, उनकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि उनके लिए विभागीय अधिकारियों को फाइल तैयार करने के लिए कहा गया है। मंत्री इस मामले को लेकर जल्दी ही दिल्ली जाएंगे, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री से मिलेंगे। ऐसे पारा शिक्षक की समस्या का समाधान किया जाएगा। ज्ञात हो कि 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षण पूरा नहीं करने वाले पारा शिक्षकों को सेवा मुक्त कर दिया गया था। तो दोस्तों, आज की यही खबर है, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों, आप एक लाइक अवश्य करें, और साथ ही साथ आप अपनी सुझाव भी कॉमेंट बॉक्स में हमें दें, और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। तो आज के लिए बस इतना।